ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬਾ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਿਆ सुंदर बेटा बिल्कुल अपने बाप पे गया है बाप पे लग रहा है कुछ नहीं कह सकते मेरे लॉर्ड ले पुष्पा हमारी जाओ लाल पे प्यारा बच्चा है बेटे प्यारा मुन्ना है की मुराद पूरी हुई सारा आंगन खुशियों से भर गया जी चाहता है सब कुछ लुटा दूं बल्ले बल्ले पजाई मुबारक भाई 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 बल्ले 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 ओ भाई आज गुरु की 25 तेरे घर में रोशनी आई भाई वाह 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 मूल चल जा न्याले को मत संभालो न्याले दे ले 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 दूना आहा ले पुजाई तानु पहचाने आली ले मूल चल जा चलो फिर आज जश्न करते हैं चलो कैसे पकड़ लिया अरे पुष्पा ये तो बड़ा लालची मुन्ना है इसका नाम
लो भीषा रख देंगे। ध्यान से ध्यान से। अरे बुआ देखो इसके सिर पे तो कितने कम बाल हैं। इसका नाम रोडिशा ठीक रहेगा। मीठी जबान होगी इसकी शहद जैसी। अरे पुष्पा तुझे बहुत बहुत बधाई हो। ये ले बुआ तू भी क्या याद रखेगी। ला इसे मुझे दे। कोई बात नहीं मैं चुप करवा लूंगी। देख तो सही कैसे टुकर टुकर देख रहा है शैतान। कितना प्यारा बच्चा है। इसकी आंखें और होंठ तो बिल्कुल माँ पर गए हैं लेकिन इसकी नाक और ठुड्डी न जाने किस पर गई है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन घर और दुकान दोनों चौपट कर देगा ये कमबख्त। कुछ काम किया कर पुत्र ओए आजकल कमाई बहुत औखी है। हुक्का ठंडा हो गया। हुक्का फूंक फूंक कर तेरा कलेजा काला हो गया है। घड़ी दो घड़ी दम ले लिया कर। भली मानस मेरे हुक्के को मत कोस। चल उठ बेटा चिलम भर के ला। हमने अपने लाला जी के लिए चिलमे भर भर कर ही लेखे के गुर सीखे हैं। कलम की मार तलवार की मार से ज्यादा तेज होती है। अच्छा लाला अभी ना आया। है तो होनहार अगर जमकर बैठ जाए तो लाखों में है मेरा बोलू। क्या कर रहा है क्या खिला रहा है इन्हें? अरे लड्डू नहीं कबूतरों को बाजरा खिला रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि आसमान में उड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाते हैं प्यार की वजह से। जानवर और परिंदे प्यार समझते हैं भूलू इंसान नहीं। चल भाग यहाँ से भाग। कभी हमारी तरफ भी देख लिया कर सोनिए। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। कसम है रब की मुद्दत से आंखें सेक रहे हैं लेकिन तू मिलती ही नहीं। तुझे शर्म नहीं आती गली में ऐसी बातें करते हुए? शर्म? दिल की बात कहने में शर्म किस बात की? जिसने की शर्म उसके फूटे करम। चल हट पीछे।
कुर्ती को घड़ा ऊपर तक मत भरा कर, देख तेरी कुर्ती भीग गई। क्या करूं वीरा, जब मैं चलती हूँ ना तो घड़े से पानी छलक छलक पड़ता है। कितनी बार कहा तुझे बालों को कसकर बांधा कर। बालों को गूंथ कर गूंथ की थी मैंने, अपने आप खुल खुल जाती है। माता की आशीष उदा, माता की आशीष, माता की आशीष उदा, माता की आशीष। निमक न विसरो तुमको हर हर, निमक न विसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश। निमक न विसरो तुमको हर हर, निमक न विसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश। माता की आशीष पुता, माता की आशीष, माता की आशीष पुता, माता की आशीष। जिस सिमरत सब किल विख नासे, जैत श्री महला पंजवा, कोई जन हर सिओं देवा जोर, चरण गौ बको सब रसना दी, जय प्राण कोर रहाओ, मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचा सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपाते, महा बिखयाते तोर, आयो शरण दीन दुख पंजन, चितवा तुमरी ओर, अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंदन शोर, आयो शरण दीन दुख पंजन, चितवा तुमरी ओर, अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंदन शोर। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। कक्का अक्षर है, बच्चे का नाम करतार सिंह रख लो जी। संत संग तेरी प्रीत कापुड़ पत परमेश्वर श्री को, भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो, सदा चिर जीवो, हर सिमरत अन दियलता, रंग तमासा पूरन आसा, कबू न व्यापे चिंता, भंवर तुम्हारा ए मन हो। हे वाहे गुरु, हे सच्चे पातशाह, तेरे दर पे खड़ी हूँ, ये मेरा बेटा तेरा सच्चा सेवक बनेगा। आज की चाड़िया तू? माँ चने की दाल। चंगा फिर कोली भेज दी मैं। अरे आज तो सबके लिए भेजूंगी, ये ले जल्दी दिखा चला। अरे पुष्पा भी नहीं आई अभी तक। हाँ बड़ी देर लगा रही आ रही होगी। अरे बच्चा छोटा सा है, ख्याल करना पड़ता है ना। ख्याल करना पड़ता है ना, जैसे मैं तो अपने भोलू का ख्याल करती नहीं, उसको सड़क पर डाल रखा है। पुष्पा भी आ गई। आप पुष्पा ताई हटना। अरे हटना ताई। पुष्पा कितनी देर लगा दी? वो करतारा रो रहा था, मौसी क्या दूध पिलाई है ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तेरे घर में भी हंसने खेलने वाला आ गया।
बड़ा भागों वाला भी है। सोना तो इतना है कि देखने से मैला होता है। हाँ पुष्पा, उसके माथे पे काला टीका लगा के रखा कर, नहीं तो नजर लग जाएगी। रब रखा है, सब उसी की मेहरबानी। अरे मेहरबानी तो उत्तम सिंह की है जो तुझे अमावस का स्नान करवा लाया। क्या मतलब है तेरा ताई? मेरा मतलब है अपने चांद जैसे बेटे के लिए उत्तम सिंह को आशीष दे। अरे मेरी तरफ दीदे फाड़ फाड़ क्या देख रही है? अपने बेटे की शक्ल देख, शक्ल आंखें और होठ भले ही तुझ पर गए हो, नाक और ठुड्डी तो बिल्कुल तुम सिंह पर है। हाँ? चुप रह जाओ। अरे सच्ची बात कहने से क्यों डरूं? सब जानते हैं कि उस रात मंत जी के डेरे में उत्तम सिंह के साथ ही। अरे छाती ठोकर कहूंगी तेरा बेटा उत्तम सिंह पर गया। काली जुबान वाली, तेरी जीभ जल जाए। देखा सच्ची बात कही तो कैसी नीचे लगी है तुझे। सारा गांव जानता है स्नान का तो बहाना था। खामोश, लोगों का घर उजाड़ने वाली चुड़ैल तुझे तो नर्क में भी जगह। अरे किस किस से छुपाती फिरेगी तू? बोली तो इस लकड़ी से तेरा मुंह झुलस दूंगी चुड़ैल। चलिए खान साहब, तू जैसे निठल्ले को तो घास भी नहीं डालती अगली। चुप जाओ वरना हंसी गले में दबी रह जाएगी। दीपो, दुनिया से बचना है तो मेरी हो जा। मुंह तोड़ दूंगी तेरा जो फिर ऐसी बात कही तो। दीपो ये क्या हुआ? मेरा घड़ा फूट गया। कैसे? बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेल रहे थे, गुल्ली घड़े में लग गई, सारा पानी मेरे ऊपर पड़ गया। अच्छा जा अंदर जा, कपड़े बदल ले, ठंड लग जाएगी नहीं तो। तू आज खेत में नहीं गया? जा रहा हूँ, उत्तम सिंह के डगरों को चारा भी चाहिए था। अच्छा अच्छा सुन, तू खेत में खाना लेती आना, वहीं पर ही हूँ मैं। अच्छा। Thank you.
बदमाश हट जा एक तरफ। महीनों से तुझे देख रहा हूँ दीपो, दूर से इन आंखों ने रस पिया है तेरा, आज पूरी तरह से प्यास बुझाऊंगा। मैं देती हूँ अपने भाई को आवाज, आके वो तेरी हड्डियां तोड़ देगा। ऐसा भाई अभी किसी माँ ने नहीं जाना जो दयाले से टक्कर ले सके। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मारने से पहले अपनी जान बचाओ। तो